हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी की होने वाली मॉप अप राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट मैट्रिक्स क्या रह सकती है। आप सभी से मैंने पहले ऑलरेडी ये बात कही है कि ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों के लिए मॉप अप राउंड कंडक्ट नहीं कराई जाती है। एमसीसी के अंडर आने वाले कॉलेजेस या सीटों पर मॉप अप राउंड सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर ही कराई जाती है। वहीं कुछ और स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑल इंडिया की 50% सीटों पर भी मॉप अप राउंड कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पिटिशन भी फाइल कर रहे हैं, मगर ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि हर साल ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों में से कुछ सीटें बचती है जो स्टेट को रिवर्ट होती हैं और उस पर स्टूडेंट्स पिटिशन दायर करते हैं सिर्फ इस होप में कि ऑल इंडिया कोटा की 50% जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों पर मॉप अप राउंड कंडक्ट कराया जाए। मगर बाकी ईयर्स की तरह, बाकी वर्षों की तरह इस साल भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों पर मॉप अप राउंड कंडक्ट होगी। अब बात करते हैं मॉप अप राउंड किस पर कंडक्ट होती है। मॉप अप राउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर ही सिर्फ कन्वर्ट होती है। ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटें जो है उनमें से जो भी सीटें राउंड टू के बाद बची हुई हैं, जो रिजाइन सीटें हैं या नॉन रिपोर्टेड सीटें हैं या नॉन अलॉटेड सीटें हैं, वो सीटें रिस्पेक्टिव स्टेट्स को रिवर्ट बैक कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि जब मॉप अप राउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर कंडक्ट कराई जाएगी तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मॉप अप राउंड में सीट मैट्रिक्स क्या रह सकती है। इसे लेकर के अगर हम अभी फिलहाल तक की सिचुएशन देखें तो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को मिला करके डीम्ड यूनिवर्सिटीज में टोटल 524 सीटें खाली है, जिसमें क्लिनिकल की 448 सीटें खाली है और नॉन क्लिनिकल की 76 सीटें खाली है। अब ये सीटें, जो खाली सीटें, जो वैकेंट सीट है, ये किस तरीके से कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें खाली है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेडियो डायग्नोसिस की। रेडियो डायग्नोसिस में टोटल 27 सीटें वैकेंट है। डर्मेटोलॉजी की 17 सीटें वैकेंट है। ओबीजी में 37 सीटें वैकेंट है। पीएसएम में सिर्फ 5 सीटें वैकेंट है क्योंकि पीएसएम की सीटें ऑलरेडी कम ही रहती है। एनेस्थीशिया में सबसे ज्यादा सीटें खाली है, 77 सीटें खाली है। इमरजेंसी मेडिसिन में सिर्फ 7 सीटें खाली है, 7 सीट्स, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन की भी सीट्स कम रहती है। जनरल मेडिसिन में 51 सीटें खाली है। पीडियाट्रिक्स में 27 सीटें खाली है। साइकेट्री में 27 सीटें खाली है। रेडियोथेरेपी में सिर्फ 2 सीटें खाली है। जनरल सर्जरी में 57 सीटें खाली है, 57 सीटें। ऑप्थोमोलॉजी में 38 सीटें खाली है। ऑर्थोपेडिक्स में 43 सीटें खाली है। टीबी एंड चेस्ट में 9 सीट्स खाली है और पैथोलॉजी में 29 सीट्स खाली है। तो ये अभी फिलहाल राउंड टू, एमसीसी की राउंड टू कंडक्ट होने के बाद अभी फिलहाल जो वैकेंट सीट है जो आपको राउंड थ्री में एमसीसी की मॉप अप राउंड या राउंड थ्री में आपको देखने को मिलेगी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में फिलहाल इतनी सीटें खाली है और भी कुछ सीटें मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है राउंड थ्री स्टार्ट होने से पहले। फ्रेंड्स, ये तो कंटेंट था सीट मैट्रिक्स को लेकर के, एमसीसी की डीम्ड की राउंड थ्री की सीट मैट्रिक्स को लेकर के। रिवाइज कट ऑफ को लेकर के भी मैं आपसे ये बात शेयर कर देना चाहता हूं कि 10-15 के बीच में कभी भी, एक्चुअली अब वो टाइम आ चुका है जब कभी भी रिवाइज कट ऑफ को लेकर के, एमडीएमएस की रिवाइज कट ऑफ जारी की जा सकती है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि एमडीएस की भी रिवाइज कट ऑफ जारी की गई और जनरली आप देखोगे, अगर बीते वर्षों का एक्सपीरियंस आप देखोगे तो डेंटल की जो रिवाइज कट ऑफ आती है, एमडीएस की जो रिवाइज कट ऑफ आती है उसके लगभग 15 दिन के बाद एमडीएमएस की रिवाइज कट ऑफ आती है। मगर इस साल की सिचुएशन को देखते हुए ये चीज कहना कि 15 दिन के बाद ही आएगी, ये थोड़ा गलत हो सकता है। थोड़ी पहले भी, 15 दिन से पहले 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर भी आ सकती है। तो रिवाइज कट ऑफ की अगर बात करें तो 10 से लेकर के 15 के बीच में रिवाइज कट ऑफ आने के चांसेस हैं। यदि आप में से स्टूडेंट्स जो रिवाइज कट ऑफ को लेकर के अपडेट्स, रिवाइज कट ऑफ की अपडेट्स को लेकर के वेट कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रिवाइज कट ऑफ के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बाकी स्टूडेंट्स ने भी जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं उन्होंने भी उस टेलीग्राम ग्रुप को उसको ज्वाइन किया है और आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे
सर्विसेज या अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।